दुमका जिले के विश्व दिव्यांग दिवस के शुभ अवसर पर सभी दिव्यांग एकत्रित होकर इंडोर स्टेडियम के प्रांगण में काला दिवस मनाया। बीते 26 नवंबर को झारखंड राज्य की राजधानी रांची में राजभवन के समक्ष झारखंड दिव्यांग आंदोलन संघ के माध्यम से सभी प्रकार के दिव्यांगों के प्रति की सूत्रीय मांगों के समर्थन में आज हम लोग झारखंड सरकार के विरोध में काला दिवस मनाकर जन समर्थन दिए। झारखंड दिव्यांग आंदोलन संघ के द्वारा बनाए गए 21 सूत्रीय मांग पत्र में 2019 के विधानसभा चुनाव के समय गठबंधन सरकार के घोषणा पत्र के अनुसार दिव्यांगजनों की पेंशन 2500 की जाए। पिछले दो वर्षों में खाली पड़े राज्य निशक्तता आयुक्त के पद पर अति शीघ्र नियुक्ति करने, झारखंड राज्य के सभी विभागों में दिव्यांगजनों के आरक्षण के अनुसार खाली पड़े बैकलॉग पदों की नियुक्ति, विशेष अभियान के तहत आरक्षण रोस्टर का सही रूप से अनुपालन करते हुए सभी कोटि के दिव्यांगजनों को नियुक्ति स्वीकृत की जाए, केंद्रीय एवं राज्य प्रायोजित सभी गरीबी उन्मूलन व सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में सभी को दिव्यांगों को 5% आरक्षण सुनिश्चित और प्रदान करने हेतु अलग से परिपत्र आदेश संकल्प जारी किए जाए। राज्य अथवा जिला स्तर पर होने वाली किसी भी विभाग की संविदा अथवा मानदेय पर आधारित नौकरियों में भी दिव्यांगजनों को कोटावार आरक्षण प्रदान किया जाए। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत सलाहकार समिति रिसर्च व बोर्ड का गठन अभी तक नहीं हुआ। अविलंब बोर्ड गठन किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेलों में दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी एवं पैरा खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति दी जाए। महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग व पिछड़ा आयोग के तर्ज पर दिव्यांगजनों के लिए अलग से आयोग गठन किया जाए। दिव्यांगजनों को सरकारी एवं गैर सरकारी संस्था में कम से कम 5% दिव्यांगजनों को उसकी योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाए। सरकारी विश्वविद्यालय एवं विद्यालय में दिव्यांगजनों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए व उसके आने जाने के साधन और छात्रावास में निःशुल्क रहने की व्यवस्था की जाए। देश के अन्य कई राज्यों की तरह दिव्यांगजनों को बसों में किराया दर 50% छूट दी जाए। झारखंड राज्य विकलांग जन नीति का इस संदर्भ में सख्ती से अनुपालन किया जाए। दिव्यांगजनों के लिए उच्च कोटि का उपकरण समय समय पर उनके जरूरत के अनुसार सरकार द्वारा सहयोग किए जाए। शहर की सभी सरकारी संस्थान को दिव्यांगजनों की सुविधा के अनुसार रैम्प की व्यवस्था कराई जाए। मॉल, सिनेमा घर, डीसी कार्यालय, प्रखंड विश्वविद्यालय, पार्क, रेलवे प्लेटफॉर्म, बस पड़ाव इत्यादि दिव्यांगजनों के लिए बिजली बिल 200 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क किया जाए। सरकार द्वारा मनोनीत किसी भी बोर्ड में कम से कम एक दिव्यांगजनों को अवश्य रखा जाए। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुरूप प्रत्येक जिला में दिव्यांगजनों से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए यथाशीघ्र विशेष न्यायालय का गठन किया जाए। सभी वयस्क दिव्यांगजनों को प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित किया जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट का 28 अक्टूबर 2021 के आदेश का पालन करते हुए झारखंड सरकार प्रत्येक सरकारी विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए कम से कम एक विशेष शिक्षक अविलंब बहाल करे। दिव्यांगजन निधि योजना के तहत 50,000 की अनुदान राशि दिव्यांग सशक्तिकरण के लिए, रोजगार के लिए दिव्यांगजनों के बीच आवंटन वितरण करना है जो अभी तक लंबित है। दिव्यांगजनों को अंत्योदय कार्ड से लाभान्वित कराने हेतु उपलब्ध कराई जाए। दिव्यांग आरक्षण के हिसाब से झारखंड में पंचायत निकाय एवं विधानसभा सीटों को आरक्षित किया जाए। दिव्यांगजनों को सरकारी एवं गैर सरकारी सार्वजनिक बाजार सहित स्थानों में स्वरोजगार हेतु दुकान उपलब्ध कराई जाए। इस मौके पर बैठक में बलदेव राय, मोहन साह, प्रियतम कुमार सिंह, डमरूधर सिंह, सुमित शर्मा, चांदन कुमार, जानकी कुमारी, प्रेमा कुमारी, अनिल मांझी, सुनील मांझी, गुड्डी देवी, कुसमी देवी, विमला कुमारी, काशीनाथ राय, दिनेश सोरेन, संजीव मोहाली, सचिदानंद तांती, रवि मोहाली, संतोष प्रसाद शाह, कृष्णा दास, मुन्ना पंडित आदि उपस्थित थे। दुमका से अगस्तीन हेमरम की रिपोर्ट। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।
दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।